हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ होममेड रेमेडी पाउडर की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको हम हिंदी में घरेलू नुस्खा भी बोलते हैं। ये बनाना बहुत ही ईजी है और ये हमारी आँखों की रोशनी के लिए और दिमाग को तेज़ करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इसको बनाने में हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। आप इसको एयरटाइट कंटेनर में 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 100 ग्राम सौंफ ली है और सौंफ को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है जो हमारी आँखों की मोतियाबिंद की बीमारी को काफ़ी हद तक रोकने में फ़ायदेमंद होता है और स्वस्थ आँखों को बढ़ावा देने में हेल्पफुल होता है। इसके सेवन करने से आँखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फ्लॉट और फाइबर की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मददगार होता है, यानी हेल्पफुल होता है। इस तरह से सौंफ हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर मुंह में छाले पड़ जाए तो सौंफ का सेवन करने से बहुत हेल्प मिलती है और हमारे डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। इसके सेवन करने से पेट दर्द में भी तुरंत आराम मिलता है और ये हमारे वज़न को भी नियंत्रित रखता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है उन लोगों को सौंफ का सेवन करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। इसी तरह सौंफ बहुत ठंडा होता है। गर्मी में सौंफ शरीर को ठंडक देती है। इसके सेवन करने से गैस जैसी समस्या भी को आराम मिलता है। सौंफ में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जिसके सेवन करने से शरीर में रोग प्रतिरोग यानी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा मिलता है और सौंफ का पानी पीने से पेट में अगर जलन है तो वो भी ठीक होती है। तो इस तरह से सौंफ हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये हमारे घर के किचन में इजीली मिल जाता है। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सौंफ का सेवन किया जाए। 100 ग्राम बादाम लिए हैं। जितनी क्वांटिटी में सौंफ ली है उसकी सेम ही क्वांटिटी में बादाम ली है। आप मेजरमेंट के लिए बाउल ले लीजिए या वज़न करके ले लीजिए, जैसे भी लें इन सभी की क्वांटिटी एक ही रखनी है। तो जिस तरह से सौंफ हमारी आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इसी तरह बादाम भी हमारे आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बादाम खाने से दिमाग के अलावा आँखों की रोशनी को भी तेज़ करता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलावा विटामिन ई होता है जो हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बादाम में प्रोटीन, फाइबर, मोनोअनसैचुरेट वसा, विटामिन ई और मैग्नीशियम जैसे प्रमुख तत्व ज़्यादा होते हैं यानी मौजूद होते हैं। इसके सेवन करने से हमारे दिल को स्वस्थ रखने में बादाम काफ़ी हद तक मददगार होता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है बादाम डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। बादाम हमारी हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूत करता है। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बादाम बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें विटामिन डी और कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जो लोग ओवर ईटिंग कर यानी ज़्यादा खाना खाते हैं उनके लिए अगर आप रोज़ बादाम का सेवन करें तो ओवर ईटिंग की समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। बादाम हमारे मेमोरी को भी शार्प करता है यानी याददाश्तों को भी बढ़ाता है। बादाम भिगोकर खाने की बजाय अगर पीस कर दूध में पिया जाए तो ज़्यादा गुणकारी होता है। तो इस तरह से बादाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हो सके तो बादाम का सेवन कीजिए। 100 ग्राम धागे वाली मिश्री ली है। तो आप जो भी क्वांटिटी लें इन तीनों इंग्रेडिएंट्स की सेम ही क्वांटिटी रखिएगा। अगर धागे वाली मिश्री नहीं है तो आप बिना धागे वाली मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकें, लेकिन हो सके तो धागे वाली मिश्री का ही यूज़ कीजिए। मिश्री, बादाम और सौंफ हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब मिश्री को थोड़ा सा तोड़ लेंगे ताकि पीसने में आसानी हो और इसका धागा जो है उसको हम निकाल देंगे। सौंफ को ग्राइंडर जार में पीस कर पाउडर बना लेंगे, उसके बाद एक बाउल में निकाल देंगे।
सौंफ को पीसकर अच्छी तरह से पाउडर बना लिया है। आप सौंफ, मिश्री और बादाम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को एक साथ भी पीस सकते हैं, लेकिन अलग अलग पीसना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सौंफ और बादाम मिश्री को एक साथ पीसने से बादाम के अंदर ऑयल होता है, अगर आप कंटिन्यू जार में पीसेंगे तो उसमें से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं यानी आप इजी लगता है तो आप एक साथ पीस लीजिए, वरना तीनों इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग पीस कर पाउडर बना लीजिए। तो आप देखते हो अच्छी तरह से पिस गया है। मिश्री को तोड़कर उसमें से धागे को निकाल लिया है ताकि जब हम मिश्री पीसे तो धागा साथ में नहीं पीसे। छोटे छोटे पीस में करने से मिश्री का पाउडर बनाने में आसानी रहेगी। जिस तरह बादाम और मिश्री हमारी आँखों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उसी तरह मिश्री भी हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, यानी हमारी आँखों को ठंडक देती है। इसके अलावा मिश्री के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर खांसी हो जाती है तो आप मिश्री थोड़ी सी खा लीजिए, उससे खांसी तुरंत ठीक हो जाती है। कभी कभी गले में खराश आती है तो मिश्री का सेवन करने से ये खराश दूर हो जाती है। मिश्री का पानी गर्मी में पीने से भी आराम मिलता है। हाथ या पैरों में जलन हो तो आप मिश्री का सेवन कीजिए, जिससे काफ़ी हद तक ये समस्याएँ ठीक हो जाती है। कभी कभी पेट की गर्मी की वजह से मुँह में छाले पड़ जाते हैं तो मिश्री का सेवन करने से ये छाले ठीक हो जाते हैं। ये हमारे वज़न को भी कम करने में काफ़ी हद तक असरदार होती है और ये हमारे पाचन क्रिया यानी डाइजेस्ट सिस्टम को भी ठीक करने में हेल्पफुल होती है। मिश्री का सेवन करने से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। तो इस तरह से मिश्री के बहुत सारे फायदे हैं। मिश्री को अच्छी तरह से पीस कर पाउडर बना लिया है। अब जिस बॉल में सौंफ का पाउडर डाला है उसी सौंफ में मिश्री को भी ऐड कर लेंगे यानी मिला लेंगे। जिस जार में मिश्री पीसी है उसी जार में बादाम को पीस कर पाउडर बना लेंगे। जब आप बादाम को पीसते हैं तो ग्राइंडर जार को कंटिन्यू नहीं चलाना है, नहीं तो बादाम में से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। उसको थोड़ा सा चलाना है और चलाने के बाद आप चेक कर लीजिए और फिर दोबारा से चलाइए। बादाम को पीस कर पाउडर बना लिया है। बादाम को इससे ज़्यादा नहीं पीसना है, अगर ज़्यादा पीसेंगे तो इसमें से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से मिल जाए। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। बादाम, मिश्री और सौंफ को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब एयर टाइट ग्लास के कंटेनर में भर लेंगे। अगर हो सके तो ग्लास का कंटेनर लीजिए, अगर ग्लास का कंटेनर नहीं है तो आप प्लास्टिक या स्टील के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। इस पाउडर को आप कम से कम 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करते हैं तो ये हमारे आँखों को बहुत ही फ़ायदेमंद पहुँचाता है। इसका असर एकदम नहीं होगा, कम से कम कंटिन्यू 2 से 3 महीने के लिए यूज़ करेंगे तब धीरे धीरे इसका असर दिखना शुरू होगा। जो बचा हुआ पाउडर था उसको छोटे एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख दिया है। ग्लास में वार्म दूध ऐड करेंगे यानी गुनगुना दूध ऐड करके 1 चम्मच पाउडर मिला लेंगे। ये दूध सोने से पहले पीना है। इसको पीने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना है। अगर आपको प्यास लग जाए तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लीजिए। अगर हो सके तो कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए पानी मत पीजिए ताकि इफ़ेक्टिवली काम करेगा। इस पाउडर को दूध के साथ सोने से पहले ही पीना है। अगर आप इसको मॉर्निंग या डे में यूज़ करेंगे तो इसका असर नहीं होगा। इस पाउडर का एकदम भी असर नहीं होगा, कम से कम 2 से 3 महीने के लिए कंटिन्यू पिएंगे तभी इसका धीरे धीरे असर करना शुरू होगा। अगर आप छोटे बच्चों को देते हैं तो 1/4 टीस्पून पाउडर ले लीजिए और दूध में मिलाकर पिला लीजिए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। ये होममेड रेमेडी बहुत ही ईजी है और इसको बनाने में हार्डली 5 मिनट से भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। मेरे को वीडियो बनाने में समय ज़रूर ज़्यादा लगा है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।